राजधानी जयपुर की झूले वाली गली में मामूली विवाद पर एक नाबालिग ने युवक की पेट में चाकू घोंप दिया। यहीं उसने युवक के नाक को भी काट दिया और मौके से फरार हो गया। बता दें कि विवाद बाइक के टच होने से शुरू हुआ, उसके बाद हाथापाई होने लगी, लेकिन नाबालिग ने चाकू निकाल लिया और युवक पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा। भीड़ के जमा होते ही वह मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया तो वहीं हमलावर को कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, कोतवाली थाना क्षेत्र में दो दिन पहले की घटना है जिसमें पड़ोसियों के बीच में ही गाड़ी को थोड़ी सी रैश ड्राइविंग को लेकर विवाद हो गया। इसमें विवाद के चलते एक नाबालिग लड़के द्वारा दूसरे पक्ष को चाकू से आहत कर दिया गया। जो मजरूब है, जिनको चोट लगी है, वो उनकी स्थिति अभी खतरे से बाहर है और वो जैन इलाज है और जो एक्यूज है उसको निरुद्ध कर लिया गया है और विधि विधि कार्रवाई की जाती है। जयपुर के बस्ती में चोरों के हौसले बुलंद नजर आए। यहाँ स्कूल की खिड़की